हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुशील केडी। आज की तरफ से बाजार के ऊपर फिर से अपडेट आती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले निफ्टी 50 के ऊपर उनका बयान आया कि निफ्टी 50 में यहाँ पे सेल का सिग्नल आ गया है और यहाँ पे जो गिरावट है वो गिरावट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो सकती है, तो आपको क्रिसमस से पहले बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो S&P 500 में जिस तरह की गिरावट है और यहाँ पे नया सेल सिग्नल आ चुका है, तो बहुत ज़्यादा कोशिश रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका का विक्स यहाँ पे लगातार हाई हाई बनाता जा रहा है और ये 32 तक जा सकता है। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिचुएशन है कि 13 दिनों से एकदम कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है और कभी भी बैंक निफ्टी सेल का सिग्नल जनरेट कर सकता है। यहाँ पे स्टॉक के बारे में बताओ जिसमें उन्होंने यहाँ पे चेतावनी दी है, तो ITC में एक बड़ी गिरावट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ICICI बैंक में कर रहे हैं, मारुति में भी कर रहे हैं और यहाँ पे TVS मोटर में भी बहुत बड़ी गिरावट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे HDFC बैंक में भी बेरिश है और यहाँ पे बात करूँ बंधन बैंक ऐसा बैंक है जिसमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल उनको नज़र आता है ऊपर जाने का। इसके अलावा बात करूँ तो मेटल शेयरों में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। यहाँ पे देखिए करंट लेवल से टाटा स्टील में 20% की गिरावट यहाँ पे उनको दिखाई दे रही है, साथ ही साथ सेल में भी करंट लेवल से बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है। उनकी जो पसंद है वो आपको सामने प्रेजेंट करने जाऊंगा, नेल को उनको पसंद है। इसके अलावा बात करूँ तो MRPL और चेन्नई पेट्रो उनको पसंद है, जो यहाँ पे शेयर डबल हो सकते हैं ऐसा उनका मानना है। साथ ही साथ यहाँ पर बात करूँ GNFC GSFC और चंबल फर्टिलाइजर में भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है और उनके चहिता स्टॉक यहाँ पे क्लीन साइंस यहाँ से डबल होने के पोटेंशियल लगता है ऐसा की तरफ से बोला गया है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।